मानदेय में बढ़ोतरी तथा स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने बागेश्वर में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा जिलाधिकारी कार्यालय में धरना दिया। महिलाओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी प्रेषित किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने कहा कि 8 सूत्रीय समस्याओं के निदान की मांग को लेकर विगत कई सालों से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। महिलाओं ने SBI तिराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी के साथ जुलूस निकाला। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम आज अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मेन मुद्दा हमारा यही है कि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए कम से कम न्यूनतम मजदूरी हमारी 600 रुपये प्रतिदिन की होनी चाहिए। उस हिसाब से हमारी 18,000 मानदेय होनी चाहिए। सरकार हमसे काम पे काम तो लिए जा रही है, लेकिन देने के नाम पे कुछ भी नहीं कर रही है। कहने को तो महिला शक्ति है, महिलाओं को आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ इस तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन महिलाएं इस तरीके से रोड पे बैठी हुई है, वो सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। काम करने से हम मना नहीं करेंगे कि हम कोई काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे, लेकिन काम के बदले में अच्छा दाम मिलेगा तो हम और अच्छे तरीके से काम करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं है कि जो एक आंगनबाड़ी वर्कर नहीं कर रही है। आंगनबाड़ी वर्कर सारे काम कर रही है, गर्भवती महिला से लेके कन्यादान तक का पूरा काम वो कर रही है। उसके बाद उनकी सरकार को मतलब उनकी तरफ देख के भी अनदेखा कर रही है। मेन मांग है 8 सूत्री मांग है जिनमें हमारा मानदेय मेन है, और हम आज ये सभी बहनें स्टेट बैंक में एकत्रित हुई। वहाँ से हमारे जो जन सैलाब उभरा है वहाँ से होते हुए हम DM कोर्ट तक आए हैं, और यहाँ हम DM मैडम के माध्यम से आज CM साहब तक अपनी मांगों को पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर सर हमारी मांगों को देख के अनदेखा ना करें तो हमारा ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा, हम आगे की कोई रणनीति नहीं बनाएंगे। अगर वो हमारे मांगों को अनदेखा करते हैं तो हम उग्र आंदोलन की चेतावनी देंगे। और हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, बच्चों को देखते हैं, हम सारा काम करते हैं, हम काम के लिए सर पीछे कभी नहीं हटते हैं, लेकिन हर विभाग का काम हमें सौंपा जाता है, हम किसी में पीछे नहीं होते हैं। आजकल हमारे धरातल का काम हम ही करते हैं, और मानदेय के लिए हमेशा मानदेय टाइम से नहीं मिलता है एक तो, और मानदेय भी हमारा टाइम से दिया जाए। पोषण टेकर में जो फोन हमें उपलब्ध कराए गए हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, और हमें अच्छे फोन भी दिए जाएं। मेन मुद्दा हमारा मानदेय का है, एक मजदूर के बराबर तो हमें मजदूरी दी जाए ताकि हमारा पालन पोषण हमारे बच्चों का अच्छा हो जाए, हम ही कुपोषित से जरा उभर जाए, पोषित हो जाए। लोगों को हम पोषण दे रहे हैं, अपने लिए तो हम कुपोषित ही हैं, हम भी अपने बच्चों को पोषित करना चाहते हैं, अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन 9,000 में हमारा सर कुछ नहीं होता है। सारे विभागों पर सब जगह सरकार की नज़र है, CM साहब आए दिन वेतन भत्ता बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी तरफ से उनका रुझान क्यों हटा है, जबकि हम ही महिलाएं काम करती हैं, हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। हम आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन आज हम DM कार्यालय में ये मतलब चेतावनी देने के लिए आए हैं कि धामी सरकार को, कि धामी जी हमारी मांग सुनिए, हमारी भी एक आहट और रोना आता है हमको। ये 10,000 रुपये से हम पहाड़ों में नहीं चल पाते हैं, हमारे बाल बच्चे जो है खुद कुपोषित हो चुके हैं, हम चलते चलते हम कुपोषित हो चुके हैं, लेकिन हमने कितने धरने कर दिए, कितने बार आंदोलन कर दिया, हमारा कोई मतलब सोल्यूशन या कुछ चीज़ें मतलब निकलती ही नहीं है, हमारे लिए कहीं बजट नहीं होता है। लेकिन आज आखिरी चेतावनी हम यहाँ से देते हैं कि आप लोगों ने हमारा मानदेय, एक दिन का मानदेय मजदूरी हमें 600 रुपया और 18,000 रुपया मानदेय नहीं किया, तो हम जो है सारे केंद्रों में ताला लगा के अपने मतलब सरकारी आंगनबाड़ी भवनों में ताला लगा के हम देहरादून में बैठ जाएंगे। यही हमारी अंतिम चेतावनी भी है, अंतिम रिक्वेस्ट भी है, इससे बल्कि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। ये चाहते हैं कि हम लोग धामी जी से बहुत 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 रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ सोचे, हम लोगों के लिए रिटायर होने जा रहे हैं, छोटे बच्चों से लेकर गर्भवती धात्री जो जो भी है हम सारी सेवाएँ पूरी करते हैं, फिर उन सेवाओं के बदले हमें उल्टी ऊंचा करके कुछ नहीं मिलता है। घर घर जाके बच्चा पैदा करने से लेकर बच्चे का 5 साल होने तक का भरण पोषण कर रहे हैं, हमें सरकार कुछ नहीं दे रही है। मतलब कि हमें गांव से भी धमकियां सुननी पड़ती हैं, जो समय से यहाँ नहीं पहुँचे, समय से वहाँ नहीं पहुँचे। हमको यही है, बस हम काम करते हैं, काम के दाम दिया जाए। अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि हमें एक तो हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, और हमें मजदूरी को देखते हुए जो मजदूरी जो 600 रुपया है दिन की उसे
से देखते हैं हमारा मानदेय 18,000 रुपया किया जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सेवानिवृत्ति में आयु सीमा की जगह पर 60 वर्ष से 65 वर्ष किया जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गोल्डन कार्ड जारी किए जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फोन उपलब्ध कराए गए हैं जो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, जो हमें पुराने दिए गए थे। जैसे हम पोषण ट्रैकर में काम कर रहे हैं तो उसमें हमारे पोषण ट्रैकर में काम नहीं हो पा रहे हैं जिससे हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत ही परेशानी हो रही है। तो जैसे हमारे पोषण ट्रैकर में हमारी उपस्थिति नहीं लग रही है तो हमें एब्सेंट माना जा रहा है। तो हमें सरकार को हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमें पोषण ट्रैकर में हमें अच्छे से काम करना है तो हमें अच्छे से ऐसे फोन उपलब्ध कराए जाए और हमें जहाँ पर जो नेटवर्क वाले सिम है और हमें वो दिए जाए और हमें हमारा मानदेय जो मानदेय है सीनियर टीयर के आधार पर लागू किया जाए। और जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो हम ढुलान हमारे वहाँ पोशाक आता है तो हमें अपने किराए से हम उस पोशाक को अपने केंद्र तक लिया ला रहे हैं तो इससे हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमें इसका ढुलान किराया दिया जाए। और जो हमारे अभी सरकार की तरफ से हमें दिया जा रहा है कि भवन स्थानांतरण हेतु विभाग द्वारा दबाव बनाए जा रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निजी भवनों में केंद्र नहीं खुलेंगे जिस कारण से सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र किराए के भवन में स्थानांतरण तब होंगे जब विभाग भवन किराए प्रत्येक महा मकान मालिक के खाते में दिया जाना सुनिश्चित करे। जैसे हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी रिटायरमेंट होता है तो सरकार कह रही है कि उन्हें महिला कल्याण कोष से 30,000 रुपया दिया जाए। तो जैसे हमारे सभी कार्यकर्ता हमारे उत्तराखंड में 45,000 आंगनबाड़ी वर्कर हैं तो उन्हें 100 रुपया हर महीने हमारा काटा जाता है तो अगर सरकार ने उसमें कहा कि 100 रुपया आंगनबाड़ी वर्कर का कटेगा और 100 रुपया सरकार अपनी तरफ से देगी। लेकिन सर ये बताइए कि हमारा 30,000 रुपया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को रिटायरमेंट के टाइम पर दे दिया और वो यहाँ पर अपने 30-35 साल अपनी सेवाएं देती है और लास्ट में खाली हाथ घर जाती है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो हमारा अभी महिला कल्याण कोष बना है तो हमें रिटायरमेंट के टाइम पर कम से कम 10 लाख रुपये हमें दिए जाए और जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र सरकार कह रही है कि आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाए और इनको भवन बनाए जाए अच्छे किया जाए। अगर आप देखे जाए तो हमारे ब्लॉक में इतने हमारे जिले में इतने आंगनबाड़ी भवन बने हुए हैं 2002 में बने हैं 2001 में बने हैं 2 में बने हैं तो आज उन आंगनबाड़ी भवनों को देखने वाला कोई नहीं है। उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि कभी भी वो ढह सकते हैं न उनके कोई सौंदर्यकरण के लिए कभी कोई बजट आता है। हमारे बच्चों के बैठने के लिए कोई चटाइयाँ नहीं है न कोई हमारे बच्चों के बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं है कुछ भी नहीं है हमारे। लेकिन हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे आंगनबाड़ी बच्चों का भी भविष्य को देखते हुए उनके लिए सारी सामग्री उपलब्ध कराई जाए। CTN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।